वेलकम टू माई चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो आज से शुरू हो गई है भाई वो एक न्यू लीग जो कि है वुमेन्स T20 चैलेंज लीग, जिसकी कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो लोगों ने पिछले साल खेली थी उनको पता होगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लीग है, जिसमें कि सारी कंट्रीज, जैसे हमारे यहाँ IPL होता है वैसे ही ये लीग है, जैसे कि इसमें सारी कंट्री जो भी गेम्स खेलती हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गई, वुमेन टीम, जैसे कि भाई वेस्ट इंडीज़ हो गई, ऑस्ट्रेलिया तो और इंडिया, तो उसमें सारी जो भी है, जैसे IPL में जैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है टीम, वैसे इसमें भी डिवाइड हो गई है। तो बात करूँ भाइयों SUP वर्सेस VOL के, VEL के जो मैच होने वाला है 1 घंटे 18 मिनट बाद, IPL की टाइमिंग पे मैच है। आज IPL नहीं है तो हम ये कवर कर रहे हैं। बात करूं इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहां मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है AB रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक मैं इसकी टीम ना दे पाऊँ यार ओपन, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्योंकि फिर बाद में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लो और आपको प्रॉब्लम आ जाए। आपको मैं बता दूं भाई इसकी टीम में जो आपको समझा रहा हूं आप उतना समझ लेना, क्योंकि मैं ऑल सिर्फ वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इसकी टीम में पोस्ट नहीं करवाऊंगा, थोड़ी प्रॉब्लम है। बात करूं विकेट कीपर की, तो यहां से आपको एक विकेट कीपर दिख रही होगी जो कि एक इंडियन प्लेयर है, जिसका नाम है तान्या भाटिया, जो कि आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर खासियत क्या है। एक तो ये विकेट कीपिंग करती है, लेकिन साथ ही साथ जो इसका बैटिंग ऑर्डर है वो है 1 से 2 डाउन, 2 डाउन ये आज के मैच में आ सकती है। और आपको पता है वुमेन मैच में शुरू के 5 ओवर जो होते हैं ना उसमें थोड़ा धीमे चल रही होती है रफ्तार, लेकिन उनके बाद जब विकटें गिरनी भी शुरू हो जाती हैं और रन भी बढ़ते रहते हैं, तो ये आज मैं मतलब देखूंगा कि क्या है, क्योंकि इतने दिनों से IPL कवर करके थोड़ा मन में IPL बैठ गया है, तो वही देखेंगे कि वुमेन मैच में क्या होता है। तो बात करूँ अगर मैं बैट्समैन की, अब आप लोगों को मैं बताऊँगा कि मैंने शुरू की 5 बैट्समैन क्यों उठाई। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आपने ऊपर ऊपर की उठा ली, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनना। अब आपको पता है तान्या भाटिया जो प्लेयर है ये तो आ गई, चलो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ 2 डाउन, तो 1 डाउन जो आएगी वो है एच कौर, जो कि आपको बताना चाहूँगा ये भी एक इंडियन प्लेयर है, हरमनप्रीत कौर, जो कि भाई इसकी प्लेइंग मैंने इसका स्टेटस चेक किया है, जो कि एक नॉर्मल है, वुमेन मैच के हिसाब से बेस्ट है। और जे रॉड्रिग्यूज़ की बात करूँ तो यार जेम्स रॉड्रिग्यूज़ जो कि आपको बताना चाहूँगा ये जेमिमा रॉड्रिग्यूज़ है सॉरी, तो ये आपको बताना चाहूँगा ये एक नॉर्मल प्लेयर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर ऊपर रहने के कारण जो भी भाइयों 1 डाउन 2 डाउन और ओपनर्स आ रहे हों उनको अपनी टीम में ज़रूर लेना, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस करा है वुमेन लीग में टॉप 4 की प्लेयर्स में से एक आधी चलती ही चलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा सेफ प्लेयर है। अब बात करूँ एस वर्मा की, तो एस वर्मा आज के मैच में 1 डाउन आ सकती है, और मेरे को पता नहीं क्यों ओपनर भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं आज ये ओपनर भी आ जाए, लेकिन इसकी ना विकेट जल्दी गिर जाती है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन भाइयों प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि इसका ना क्या है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लेयर के बारे में, जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे पास उतना स्टेटस है, मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या कर पाएगी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नॉर्मल खेलेगी खास नहीं, लेकिन एक्चुअली में अगर ये मैं चाहता हूँ लाइनअप्स में ना ही हो आज के मैच में, अगर ये ना होगी तो हम इसकी जगह कोई ऑलराउंडर या फिर कोई बॉलर ले लेंगे। बात करूँ डी वेट की, तो इसके बारे में तो आप जानते हो भाइयों, इंग्लैंड की टॉप की बैट्समैन, और भाइयों आपको इसके बारे में पता ही होगा कि इंग्लैंड की भाइयों बैट्समैन है, और इसकी प्लेइंग इतनी ज़बरदस्त है कि आज आपको दिखाएगी कि भाई क्या खेलते हैं, क्योंकि वुमेन मैच के हिसाब से अच्छा खेलती है। आगे से बात करूं एमराज की, तो ये जो आप देख रहे होंगे भाई वो प्लेयर, ये भी एक नॉर्मल है, एंड इंडियन प्लेयर में तो आपको पता ही है कि भाई थोड़ा आज मेरे को चांस है, अच्छा कर सकती है एमराज, और नीचे से और कोई इतना खास मुझे लगी नहीं, एक लगी थी खास, लेकिन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है पी पुनिया, इसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा जल्दी आ सकता है। अगर मेरे पास प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर लाइनअप्स के और टॉस के बाद आ गया ना, तो मैं आपको पूरी टीम अपडेट करके बता दूंगा कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो अगर आप वर्मा की जगह चाहो तो आगे से ले सकते, तो एक प्लेयर जिसका नाम है एस ल्यूस, जो कि बहुत बढ़िया बॉलिंग डालती है। साथ ही साथ वैसे अगर मैं आपको एक मेन बात बताऊं तो ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर है, जो कि भाई आप इसके साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना, सॉरी रिस्क लेना है तो आप वर्मा के साथ जाओ, अगर ये वर्मा नहीं खेली तो एस ल्यूस के साथ। तो बात करूं मैं ऑलराउंडर की, तो यहां से सी अट्टापट्टू के साथ मैं जाने वाला हूं, जो कि श्रीलंकन की प्लेयर है, जो कि आपको बता दूं टॉप का खेलती है, बैटिंग ऑर्डर ओपनर भी आ सकती है आज के मैच में, और इसकी प्लेइंग में कोई भी मतलब ये मत सोचना कि भाई ये तो मतलब 0 पे आउट होगी। यार देखो अगर एक प्लेयर है भाई 0 पे भी उड़ता है तो सेंचुरी भी करती है, लेकिन ये मत सोचना अगर ये जल्दी उड़ गई, क्योंकि इसका मैंने बैटिंग स्टेटस देखा है ठीक ठाक है इस लीग में, वैसे अच्छा खेलती है श्रीलंकन लीग में, लेकिन इस मैच में ठीक ठाक आएगा, लेकिन आप टेंशन मत लेना भले ये टॉस जीत भी जाएँ, क्योंकि ये 4 ओवर जब बॉलिंग डालेगी ना तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एक आधी विकेट ज़रूर उठाएगी। तो आगे से बात करूँ एस पांडे की, तो जो कि एस पांडे आपको पता है शिखा पांडे का, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, ये हमारी इंडिया की टॉप की, वैसे अगर देखा जाए हमारी इंडियन वुमेन लीग में ये जो हमारी टॉप की ऑलराउंडर है, तो आज ये वाले
मैच में खेलने वाली है। आई थिंक भाई अच्छी खासी विकेट्स लेगी आज के मैच में। बात करूँ मैं बॉलर की तो पी यादव जो कि आप देख रहे होंगे, पूनम यादव ना बहुत टॉप की बॉलर है। आपको पता ही होगा इंडियंस प्लेयर के बारे में, नहीं पता तो आपको बता ही रहा हूँ। ये जो चार पांच जो आज प्लेयर्स खेलने वाली है इंडियन, वो सच्ची में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। लेकिन अगर मैं वहीं से बात करूँ एक और ज़बरदस्त प्लेयर की, जिसका नाम है ली कैस्पेरक। ये जो पीछे एक लीग हुई थी जिसमें कि भाइयों आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वुमेन मैच के बीच, तो उसमें ये प्लेयर खेली थी, लेकिन दो ज़्यादा मैचेस नहीं, लिमिटेड दो तीन मैचेस, जिसमें कि इसने आई थिंक एक आधी विकेट ही पोक की थी, वो भी शायद। तो आई थिंक आज के मैच में अच्छा कुछ कर सकती है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा ए रेडी को मैंने इसलिए लिया ड्यू टू क्रेडिट इशू, मेरे पास थोड़ी क्रेडिट प्रॉब्लम है। तो चाहो तो अगर आपको क्रेडिट, ये है मेरी रिस्की टीम जैसे कि आप देख सकते हैं, आप एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इधर मैंने वर्मा को चूज़ किया एंड ए रेडी को। लेकिन अगर आपको सेफ जाना है देन आप चूज़ कर सकते हैं भाइयों, मैं आपको एक टीम दे रहा हूँ, इसको आप चूज़ करना अगर आपको सेफ जाना है। ये है मेरी सेफ टीम आज के मैच के लिए, सेफ जाना है तो ये बेस्ट है। मेरे को पता है काफ़ी जनता सेफ जाएगी, तो आप सेफ ही चले जाओ। मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय।